नमस्कार दोस्तों, जो हमने साइंस बायोलॉजी की 2000 क्वेश्चनों के संग्रह की सीरीज शुरू की है, उसमें हमने 220 क्वेश्चन कर रखे हैं और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जा सकते हो और उन वीडियो देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? ए ऑप्शन है डीएनए प्लस प्रोटीन, बी ऑप्शन है केवल डीएनए, और सी ऑप्शन है आरएनए प्लस प्रोटीन, और डी है आरएनए प्लस डीएनए। तो इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर है सी, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको याद रखना है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। और प्रोटीन का संश्लेषण किसको अंग में होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 222वां क्वेश्चन होगा, मियोसिस किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है? मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है? ए ऑप्शन है मेटाफेज, बी ऑप्शन है एनाफेज, सी ऑप्शन है मेटाफेज द्वितीय और एनाफेज द्वितीय। तो राइट आंसर बी, एनाफेज प्रथम में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए मिसर, बी रॉबर्ट कोच, सी फ्लेमिंग, डी आल्टमैन। तो राइट आंसर है, जो डीएनए की सबसे पहले खोज करी थी मिसर ने। किसने करी? मिसर ने। आप इसको देख सकते हो, डीएनए खोज किसने की? मिसर ने की थी। 1879 में मिसर ने न्यूक्लियन की खोज की थी, जिसके बाद डीएनए नाम दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? ए डीएनए के, बी आरएनए के, सी प्रोटीन के, डी इन सभी के। आपको याद रखना है, क्रोमोसोम में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स किसके बने होते हैं? हिस्टोन के, हाइड्रोकार्बन के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के और लाइपो प्रोटीन के। तो राइट आंसर है बी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जीन बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1683 कोशिका शब्द किसने दिया? क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। कोशिका शब्द किसने दिया था? ए ऑप्शन है लियोन हॉक ने, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, और सी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, और डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। अगर आप देखें तो जो बैक्टीरिया खोज किसने की थी? लियोन हॉक ने की थी, आपको पता है। और केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। तो इसे आपका आंसर मेरे अनुसार आपको आ गया होगा कि कोशिका शब्द किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने। अगर हम देखें 1683 में लियोन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, और वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में मिटोसिस डिवीजन का पता लगा, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्लोरोफिल है वो किस में पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में, बी क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में, सी स्ट्रोमा में, डी मेम्ब्रेन में। आपको याद रखना है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है। राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर है, जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है, और जो प्रकाश लेशन का लाइट रिएक्शन इसमें ही होता है। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। अगर हम देखें ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एक रंगीन पदार्थ होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, यह रंगीन होता है, भोजन संशय के कारण फूल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण क्या है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बी ऑप्शन केंद्र में डीएनए उपस्थित होता है, और डी क्या है?
बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो प्रयोग होता है, और हमारा डी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में डीएनए होता है। तो जो अनुवांशिकी है इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, प्रबल प्रमाण ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण, ट्रांसफर बदलाव। ये क्या है, डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ है, इसका प्रमाण क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल अपघटक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल घटक एंजाइम होते हैं। बी ऑप्शन हमारा, इसमें परजीवी क्रिया होती है। सी ऑप्शन हमारा, भोजन रिक्तता के कारण। और डी ऑप्शन हमारा, अपचयी एंजाइम्स के कारण। तो इसका राइट आंसर ए होता है, लाइसोसोम की, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। नेक्स्ट हमारा, अगर इसका सोल्यूशन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 231वां क्वेश्चन क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ उन्होंने, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें क्वेश्चन टाइप करना भूल गए, टाइपराइटर, लेकिन मैं आपको तो बताऊँ कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किलोकर ने, किसने की थी, किलोकर ने की थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था सी बेंडा द्वारा, नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने, खोज किलोकर ने नाम दिया था सी बेंडा ने, और सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। यह एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है, ये इसका बारे में हमने जिक्र किया है कि एटीपी परिवर्तित होकर, एटीपी का मतलब होता है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है एडीनोसिन ट्राई डाइफॉस्फेट, डी से डाई, टी से ट्राई, और इसमें से एक फॉस्फेट अणु निकलकर डाइफॉस्फेट बनता है, और एडीपी में एक फॉस्फेट अणु जुड़कर ट्राई फॉस्फेट बनता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात देखें, न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, यह आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण का सहायक होता है। अगर मैं आपको एक और कोशिका के बारे में बताता हूँ, गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी होती है आप इसको देख सकते हैं, गोल्जी, गोल्जी बॉडी शायद आपको आपने सुना भी होगा। ये ऐसा कोशिकांग है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, और इस गोल्जी बॉडी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। कब की थी, 1898 में की थी। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थ का परिवहन होता है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 230वां, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसका हमको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 0.0, इसको हम मिटा देते हैं, एक मिनट सॉरी, यहाँ 0.3 आएगा, यानी 0.03 प्रतिशत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 233 क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ लिया, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03 हमने देख लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 233वां, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ग्लूकोज से, सूर्य प्रकाश से, एटीपी से, माइटोकॉन्ड्रिया से। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ग्लूकोज से, एटीपी से, सूर्य प्रकाश से, और माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसका राइट आंसर है एटीपी से, सी आंसर, इसका अंतिम रूप से ऊर्जा प्राप्त
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किससे बनी होती है? खाद्य श्रृंखला किससे बनी होती है? खाद्य श्रृंखला किससे बनी होती है? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो केवल उत्पादकों के केवल उत्पादकों की बनी होती है, केवल उपभोक्ताओं की बनी होती है, केवल अपघटकों की बनी होती है, और उत्पादक और उपभोक्ता से बनी होती है। आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का संयोजन होता है। उत्पादक उत्पादन करते हैं और उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है। हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला उत्पादक और उपभोक्ता से बनी होती है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्रकाश लेश क्रिया करते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते दूसरों से प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता, जिसमें हिरण बकरी आ जाते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक मृत उत्पादक और उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे और जंतुओं के बीच के जो पारस्परिक संबंध होता है, किन के बीच में पारस्परिक संबंध? पौधे और जंतुओं के बीच में, पौधे और जंतुओं के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन बायोम, बी ऑप्शन समुदाय, सी ऑप्शन पारिस्थितिक तंत्र, और डी ऑप्शन बायोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। मतलब जो पौधे जंतुओं के बीच में जो एक रिलेशन होता है, सहयोगी का, सह उपकारिकता का, सहभोजिता का, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ होता है? इससे विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती है, प्रोटीन के गुणों में बढ़ोतरी होती है, भूमि में उर्वरता में बढ़ोतरी होती है, खनिज के गुण में बढ़ोतरी होती है। आपको याद रखना है, भूमि से क्या होता है? भूमि की उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं। क्या उत्पादित करती हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन, और डी क्लोराइड्स। जो सूर्य की किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें क्या उत्पादित करते हैं? आपको पता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन का निर्माण करती हैं। ओजोन की पराबैंगनी किरणें रिएक्शन करके ओजोन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? इसमें दो क्वेश्चन मैच हो गए। क्या क्या क्वेश्चन है आपको बताता हूँ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ। अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है, यानी हम देखें तो अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हो गया, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अगर अम्ल वर्षा का मुख्य कारण देखें तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्रदूषण द्वारा CO2 की मात्रा में वृद्धि होना, जंगलों की कटाई, वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होना, और उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होना है। और दूसरा हम देखें, मृदा अपरदन के क्या कारण है? पहला ऑप्शन था वायु द्वारा मिट्टी का उड़ान, जल बाढ़ द्वारा विस्थापन, शुष्क दशाएं और वन कटाव। तो जो मृदा अपरदन का सबसे अच्छा कारण है वन कटाव, सबसे उपयुक्त आंसर क्या है? उपयुक्त आंसर क्या है? वन कटाव।
अगर हम देखा कि मृदा अपरदन का सबसे अच्छा कारण मुख्य कारण क्या है, मृदा अपरदन का वन कटाव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है, जो मृदा कण की सतह पर जो मजबूती से चिकनी पतली जल परत क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है वाहित जल, ऑप्शन बी है आर्द्रता जल, ऑप्शन सी है कोशिका जल, ऑप्शन डी है गुरुत्वीय जल। तो राइट आंसर क्या है, बी यानी आर्द्रता जल को कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता जल कहते हैं। मृदा की कण से जो जल छिपा होता है उसको आर्द्रता जल कहते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 241वां क्या कहता है, जल क्रांति कहाँ होती है। ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या बजरी मिट्टी में होती है या बालू मिट्टी में होती है। तो आप क्या याद रखना है कि जल क्रांति चिकनी मिट्टी में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम होता है वो ऑप्शनल बेस होता है, एक्चुअल बेस। नेक्स्ट हमारा 242वां, खाद्य कड़ी में शाकाहारी कौन होते हैं, खाद्य कड़ी हमारी उसमें शाकाहारी कौन होते हैं। अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो लगभग हर बंदा डी को लगाएगा कि खाद्य कड़ी में शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक होते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे हिरण हो गई, गाय हो गई, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और खाद्य कड़ी के जाल में शाकाहारी भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है वाहित जल, गुरुत्वीय जल, कोशिका जल और आर्द्रता जल। जो पादप मिट्टी से खींचते हैं उसको कहते हैं कोशिका जल। क्या कहते हैं, कोशिका जल कहते हैं, क्योंकि जड़ों के अनुसार द्वारा ही खींचता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जो चट्टानों की सतह में उगते हैं उसको लिथोफाइट कहते हैं, एरेमोफाइट कहते हैं, ये केंजोमोफाइट कहते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सेमोफाइट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेमोफाइट कहते हैं। चट्टानों की जो परत है उसके ऊपर जो पौधे उगते हैं वो क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहा जाता है। चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहा जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट कहते हैं। देखो जो चट्टान पर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लिथोफाइट, और जो बर्फ पर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट। क्या कहते हैं, क्रिप्टो होता है बर्फ से रिलेटेड शब्द, और फाइट होता है पौधा, यानी जो बर्फ से रिलेटेड वह क्या होता है, क्रिप्टो फाइट कहलाता है। बनता है वायु प्रदूषक का मुख्य, वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है, NO2, CO2, CO, सल्फर और ड्राई आइस मतलब CO2। तो राइट आंसर इसका क्या है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका वायु का मुख्य प्रदूषक है, क्योंकि CO2 एक मुख्य प्रदूषक नहीं है, नाइट्रोजन वैसे भी प्रदूषक नहीं है, सल्फर भी प्रदूषक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोम क्या है। ए ऑप्शन है पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। बी ऑप्शन है जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। सी ऑप्शन स्थलीय वनस्पति। डी ऑप्शन सागरीय वनस्पति। तो राइट आंसर है ए पृथ्वी का वह स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसको कहते हैं बायोम। पृथ्वी का वह स्थान वह वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? ए जीवमंडल, बी समुदाय, सी बायोम, डी सहवाद। जो सभी जीवित जीव हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर, यानी जीव मंडल। क्या कहते हैं? जीव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 248वां, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हर कोई एग्जाम में आता तकरीबन, इसको याद रखना। सदैव सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? किस चीज की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भोजन में हरी सब्जी की अपर्याप्तता, सी ऑप्शन विटामिन बी की कमी, और डी ऑप्शन आंखों की समुचित देखरेख में कमी। तो राइट आंसर क्या है इसका? विटामिन ए की कमी। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग किससे संबंधित है? विटामिन ए से। रतौंधी रोग में व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 250वां, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्रित होने के कारण होता है? नाइट्रोजन, CO, CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है CO2। जो ग्रीन हाउस गैस है वो CO2 के कारण होता है। नेक्स्ट, और सबसे अधिक जिम्मेदार भी CO2 ही है। नेक्स्ट हमारा 251, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र कितने समय में पूरा करते हैं? ए ऑप्शन 40 से 50 सप्ताह, बी ऑप्शन 50 से 60 सप्ताह, सी ऑप्शन 20 से 30 सप्ताह, और डी ऑप्शन 6 से 10 सप्ताह। जो अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे होते हैं उनका जीवनकाल कितना होता है? 6 से 10 सप्ताह के अंदर अपना जीवनकाल पूर्ण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरगंध किसका रूपांतरण है? जो शकरगंधी हम खाते हैं वो किसका रूपांतरण है? ए तने का, बी जड़ का, सी कली का, और डी पुष्पाश्क। आपको याद रखना जो शकरगंधी है वो जड़ होती है। शकरगंध जड़ का मूल भाग है। अगर जड़ के मूल भाग आपको मैं और बताता हूँ कौन कौन से हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, सलगम और शकरगंध, ये जड़ के भाग हैं। अगर आप देखें तने के भाग कौन कौन से हैं, तने में अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, आलू, ये सभी तने के भाग, ओल भी तने का भाग आप इसमें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वह क्या गलत है? एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है लेकिन उसे भोजन नहीं लेता। अधिपादप, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो आप याद रखना जो पेड़ के ऊपर पेड़ होते हैं वो अधिपादप होते हैं, वह उसके ऊपर वृद्धि तो करते हैं लेकिन जिसके ऊपर वो होते हैं उसे भोजन नहीं लेते। तो राइट आंसर हमारा अधिपादप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरोहण मूल पाई जाती है, ए पान में, बी बरगद में, बी और आर्किडिस में, सी शतावर में, और डी बरगद में। तो आरोहण मूल किस में पाई जाती है? आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए जो आरोहण मूल पान में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? पान में पाई जाती है। बरगद में कौन सी मूल पाई जाती है? शतावर मूल पाई जाती है बरगद में, जो पेड़ पौधे को शाखा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 215वां, निम्नलिखित में से अभूर्णपोषी बीज कौन सा है? ए मक्का, बी मटर, सी गेहूं, डी धान। तो अभूर्णपोषी बीज कौन सा है? आपको याद रखना है मटर। क्या याद रखना है? मटर अभूर्णपोषी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 256वां, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाता है? बीजों का अंकुरण जब फल के ही अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं?
ए ऑप्शन है अधोमूमिक अंकुरण, बी ऑप्शन है ओविपेरी, सी ऑप्शन है विविपेरी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कमी। आप याद रखना अगर बीज फलों के अंदर जो होता है उसको कहते हैं विविपेरी, क्या कहते हैं विविपेरी। बिल्कुल अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। जब बीज फल के अंदर अंकुरित होता है तो उसको विविपेरी कहते हैं। वैसे अंकुरण जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर होता है उसको अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। नारियल में क्या होता है बीज अंदर ही बनता है, और गेहूं और धान में क्या होता है बीज धरती में बनता है, कहाँ होता है धरती में बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक ऑप्शन ए, बी मोनोकार्पिक, सी निद्वार संपुटी और डी पेरिकोकार्पिक। इसका राइट आंसर क्या है, जो सिर्फ जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं वो होते हैं मोनोकार्पिक। क्या होते हैं मोनोकार्पिक। वे पादप जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 पत्तियों में क्या नहीं होता, पत्तियों में क्या नहीं होता। हमारा 258 क्वेश्चन कहाँ टाइप हो गया, यहाँ पे पत्तियों में क्या नहीं होता, ए फ्लोएम, बी लेंटिसोल, सी रंदर और डी द्वार कोशिकाएं। तो आपको याद रखना है पत्तियों में लेंटिसोल नहीं होता। राइट आंसर क्या है, पत्तियों में क्या नहीं होता, लेंटिसोल, क्योंकि पत्तियों में फ्लोएम भी होता है जिससे भोजन का स्थानांतरण होता है, द्वारी कोशिकाएं भी होती हैं और स्टोमेटा भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 259 रबड़ अक्षीर वाहिका किसमें मिलती है, जाइलम में, फ्लोएम में, कार्टेक्स में। तो आपको याद रखना है जो रबड़ अक्षीर वाहिका है वो कार्टेक्स में मिलती है, कहाँ मिलती है, कार्टेक्स में मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 क्वेश्चन है जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान कौन सा है, ए अंतस्त्वचा, ए क्या है अंतस्त्वचा और बी क्या है मूल त्वचा। आप याद रख सकते हैं मूल त्वचा, सी क्या है बलकुट, सी क्या है बलकुट और डी क्या है परिरंभ। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो जड़ में पार्श्व जड़ होती है उसका निकलने का स्थान क्या कहलाता है, परिरंभ कहलाता है। राइट आंसर है डी परिरंभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 देखो, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे, जो मेंडल है अपने प्रयोग में सफल रहे क्यों रहे, क्वेश्चन भाई ये है क्यों। राइट आंसर है उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, बी ऑप्शन हमारा उन्होंने परीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा अपने पास, सी ऑप्शन है उन्होंने F3 तक अध्ययन किया, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन क्या उपरोक्त सभी। अगर आपको थोड़ा हवा पता है तो ये चार ऑप्शन सही हैं, क्यों, क्योंकि उसने एक टाइम में एक लक्षण का अध्ययन कराया, निरीक्षण रिकॉर्ड अपने पास रखा और F3 जो उसका स्टेज है उस तक उसने अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारा 262 जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, ए ऑप्शन 262 क्वेश्चन प्रजनन के कारण, बी ऑप्शन सहलग्नता के कारण, डी ऑप्शन सी ऑप्शन नाइट्रोजन वेश के क्रम परिवर्तन के कारण और डी ऑप्शन क्या होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन के कारण। तो राइट आंसर क्या है, जीन म्यूटेशन का डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से संबंधित है, डीएनए के जीनों के क्रम में जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है।
और आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखने हैं। हुगो डी वरीज ने सन 1901 में म्यूटेशन थ्योरी दी थी। क्वेश्चन आ सकता है, जो जीन म्यूटेशन थ्योरी है किसने दी थी? हुगो डी वेरी ने। किसने दी थी? हुगो डी वेरी ने। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नई जातियों की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है और जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? अगर जीवों के जीन में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 263वां, अमल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन, नाइट्राइट्स। ओजोन इसमें लिखा नहीं हुआ टाइप, तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जितने कर लिया 259 वाला, हमारे 264 पे देखो, भोजपत्र किससे मिलता है? भोजपत्र किससे मिलता है? ए बैटुल्ला की छाल से, बी चिंचोना की छाल से, सी पाइपर की पत्ती से, डी डल बजिया की छाल से। तो इसका राइट आंसर है, जो भोजपत्र है वो बैटुल्ला की छाल से प्राप्त होता है, बैटुल्ला की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है फ्लिंट, बी ऑप्शन है फज, सी ऑप्शन है फलक और डी ऑप्शन है लिंट। राइट आंसर क्या है? जो लंबे रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंट कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 266वां, सिरका का खट्टापन क्यों होता है? ए नाइट्रिक अम्ल के कारण, बी टार्ट्रिक अम्ल के कारण, सी एसिटिक अम्ल के कारण और डी ऑप्शन कट चुका है, डी ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल के कारण। जो सिरका में खट्टापन एसिटिक अम्ल के कारण होता है, सी ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? सी सिरका, सिरका में एसिडिक अम्ल ही, सिरका में एसिडिक अम्ल के कारण होता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध फट जाता है। यह अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है और व्यक्ति को थकान महसूस होती है। एसिडिक अम्ल सिरका में होता है। एसिडिक अम्ल किसमें होता है? सिरका में, इमली में, टार्ट्रिक अम्ल और इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और जो लैक्टिक अम्ल है हड्डियों में जमने के कारण थकान महसूस होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 267वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या है? लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या है? इंग्लिश में ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा टाइप करते हुए कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए समझ लेना। बोटिया मोनो सपरमा, बी ऑप्शन है चिंचोना ऑफिसिनालिस, सी ऑप्शन है एट्रोपा ब्लंडोना, डी ऑप्शन है पटीरो कर्पस मार्सू पलम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। जो लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या है वह है बोटुआ मोनो सपरमा, ये ऑप्शन है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? ए ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, बी ऑप्शन है चिकन पॉक्स, सी ऑप्शन है मीजल्स के इम्यूनाइजेशन और डी ऑप्शन है कोलेरा के इम्यूनाइजेशन। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, जिसको हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी कहते हैं।